को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको नाभि में और माथे में घी और लौंग का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। ठीक है, आपकी नाभि जो होती है दोस्तों, ये समस्त ऊर्जाओं का केंद्र होती है, और आपके माथे पर लगाने से ये जो होता है यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का एक्टिव होने का मतलब होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से हमें मुक्ति मिलती है। देखिए, हमारे जो थॉट्स होते हैं ये हमारे जीवन में हर चीज का निर्माण करते हैं। आज्ञा चक्र ये होता है जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे थॉट्स जो हम सोचते हैं तो वैसी एनर्जी हमारी लाइफ में आने लगती है। काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर हम लोग पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि सर आपके वीडियोस में जो देखते हैं तो रेमेडीज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी बातें होती है तो उससे वो सुन करके पॉजिटिव जरूर हो जाते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपके थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वैसे ही आपकी लाइफ में एनर्जी फ्लो होती है। मतलब कि अगर आप शिकायतें करते हैं तो जिंदगी में शिकायतें बढ़ती हैं, जिंदगी से शिकायतें करेंगे तो तकलीफें आएंगी, जिंदगी से प्यार करेंगे तो जिंदगी भी आपको प्यार देगी। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कैसे करें। हम जो भी विजुलाइज करते हैं, जो भी हम सुनते हैं, तो वैसा ही हम अपना निर्माण करते हैं। तो एक तो दोस्तों ये इसका खास फायदा ये रहेगा कि आपके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव होगी, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव होने का मतलब होता है सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होना। दूसरा, आपके नाभि जो होती है दोस्तों, इसमें जो होती है ऊर्जा का केंद्र है। हमारी पूरी बॉडी जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे को जब हम फुलाते हैं तो उसमें गांठ लगा दी जाती है, ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी की जो नसें हैं इसकी एक गांठ लगी हुई है नाभि में, तो हमारे 7 मेजर चक्रास भी यहाँ बैलेंस हो जाएंगे। अगर एक चक्रास भी अगर अनबैलेंस होता है तो कुछ ना कुछ मतलब की परेशानियां लगी रहती हैं, है ना, ऑप्टिकल स्लाइड में लगे रहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट से अनबैलेंस होने लगते हैं। और दूसरा आपको ये रहेगा कि ये करने के बाद में आपको यदि किसी भी प्रकार की नजर है, किसी भी प्रकार की हाय बद्दुआ है, ये काफी लोग क्या होता है दोस्तों कि देखिए आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मतलब थॉट्स लाते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है, तो उसमें से एक हाय निकलती है और वो नेगेटिविटी आपके तमाम प्रकार की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है इसकी लिंक को तोड़ देती है। तो क्या होता है, जब नेगेटिव एनर्जी जब आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, तो परेशानी अपने आप आने लगती है। और ये चीज करने के बाद में आपका ऑरा जो होगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपको टच नहीं कर पाएंगी। और जब ऑरा पॉजिटिव होता है तो उसके बाद में दोस्तों मनी का फ्लो भी लाइफ में बढ़ जाता है। तो इस प्रयोग को दोस्तों आपको शुद्ध घी से करना है। अभी आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि आपको शुद्ध घी कैसे मिलता है। आपको गाय का घी लेना है और शुद्ध लेना है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर यूज करते हैं तो गाय का जो घी होता है इसमें जो एनर्जी होगी वो अदर चीज में नहीं होगी। तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके शुद्ध घी ले आए। और 11 आपको लौंग लेनी है, लौंग आपको फूल वाली लेनी है, अखंडित लेनी है। और जब ये लौंग आप बाहर से लेकर के आ रहे हैं तो हल्दी वाले पानी से या गौमूत्र से या गंगा जल से या कच्चे दूध से साफ करके और इसको सुखा लें, क्योंकि बाहर में दोस्तों काफी लोगों के हाथ वगैरह होते हैं तो इसमें थोड़ा सा अशुद्धि होती है। तो कोई भी रेमेडीज करें तो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के करें। तो आपको बाहर से लौंग ला करके अगर ला रहे हैं खरीद के तो पहले इसकी शुद्धिकरण कर लेना। और प्रयोग दोस्तों आप पूर्णिमा के दिन में, शुक्रवार के दिन में, त्रयोदशी के दिन में कर सकते हैं, या फिर रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं, या किसी पावन पर्व में भी कर सकते हैं। और इस प्रयोग को दोस्तों जब करेंगे तब महिलाएं यदि करेंगे, अशुद्धि वाले दिन में नहीं करना है, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। नॉन वेज लेके ड्रिंक अल्कोहल जब ले रहे हैं तो इस प्रयोग को आप ना करें, और पूर्ण रूप से विश्वास हो तभी इस प्रयोग को करें। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँ तो आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाए।
और यदि दोस्तों आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, काफी उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है। अगर बर्थ चार्ट में कोई एक प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है, जिसके कारण आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय किए जाते हैं, कोई भी रेमेडीज की जाती हैं, तो वो 100% वर्क करती हैं और रिजल्ट देती हैं। तो यदि अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं और बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। इसके अलावा घर में यदि किसी प्रकार की बंदिश होती है, काफी लोग जेलस के कारण तंत्र मंत्र टोना टोटका कर देते हैं, जिससे कि घर में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं और परेशानियां आती रहती हैं, तो घर के यदि वास्तु को बैलेंस कराना चाहते हैं, घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की बंदिश को हटवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। कुछ खास मंत्राज हैं, टेक्निक है, जिसके जरिए आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपकी हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। यदि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, घर में ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक परेशानी का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं, जिस भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रयोग को पूर्णिमा के दिन में, त्रयोदशी के दिन में, शुक्रवार के दिन में शुद्ध होकर के करना है। शुद्ध तन मन के साथ में अपने पूजा स्थान में बैठ करके आपको शुद्ध घी ले आना है। किसी भी पात्र में घी रख लें, नीचे आसन लगाएं, सिर में कपड़ा रखें, सामने पटरा लगाएं, उस पर कपड़ा बिछा करके घी रख लें, और एक पात्र में 11 लौंग रख लें, ठीक है। अब ये दोस्तों यहां पर आपको दिया जरूर जलाना है, क्योंकि दिया अग्नि साक्षी होती है आपके प्रयोग का। अग्नि अगर नहीं होगी तो रेमेडीज वर्क नहीं करेगी, ठीक है। दिया जरूर जलाएं, उसके बाद में इस तरीके से शुक्री मुद्रा लगाएं, ठीक है। शुक्री मुद्रा लगाने का मतलब होता है दोस्तों कि आंतरिक शुद्धि करना। जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज में अटैक करती है, तो ये अटैक करती है तो रेमेडीज वर्क नहीं करती है। तो शुक्री मुद्रा लगाने से आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। शुक्री मुद्रा लगा करके आंख बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं यहाँ पे, उसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचे, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है तो 10-5 सेकंड की सांस को रोके, सांस को बाहर छोड़ दें, 11 बार ये प्राणायाम करें। उसके बाद में विशेष प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा है, ठीक है, ये लक्ष्मी मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार की लक्ष्मी मुद्रा यहाँ पर आपको लगानी है। उसके बाद में आपको 15-20 मिनट आपको इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मय फट, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मय फट, इस मंत्र का 20-15 मिनट आपको जाप करना है। इससे आपने जो सामने रखा हुआ है, जो लौंग रखी हुई, जो घी रखा हुआ है, ये अभिमंत्रित हो जाएगा। अब वहीं बैठ करके संकल्प ले लें कि जो पूजा कंप्लीट होने के बाद में आपको सदका करेंगे, कुछ अनाज दे सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह बच्चों में बांट सकते हैं, या गरीबों में कुछ दान कर दें। पैसे नहीं बांटना है आपको, खाने पीने की कोई वस्तुएं, अनाज वगैरह आप दान करने का एक संकल्प ले लें। उसके बाद में लौंग जो आपने ली हुई थी, ये घी में डाल दें, और इसको उठा करके पूजा स्थान में किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर कांच की बोतल में आप इसको भर करके रख दें। और रोज आपको क्या करना है, नहाने धोने के बाद में जो मंत्र में बताया गया है, ओम श्रीम क्लीम धन लक्ष्मी फट, 11 बार इस मंत्र का जाप करके और थोड़ा सा घी निकाल करके अपने माथे में लगा लें और थोड़ा सा अपनी नाभि में लगाएं। 11 दिन में इसका कुछ सटीक रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इससे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप कहेंगे कि ये प्रयोग मुझे पहले क्यों नहीं मिला। किसी विशेष काम के लिए जाते हैं, आपको लग रहा है कि वो काम होता है कि नहीं होता है, कोई बड़े अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या अपने व्यापार बिजनेस में जा रहे हैं, तो ये मंत्र का जाप करें और इसको माथे में लगा करके जाएं। आप देखेंगे दोस्तों कि आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी आपकी, अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा, आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, मतलब व्यक्ति आपके लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंठ में भी, यहां पर भी लगा सकते हैं, और हल्का सा आपको लगाना है मंत्र को पढ़ते हुए। महिलाएं यदि करेंगी तो अशुद्धि वाले दिनों में इनको फिर नहीं टच करना है, इनको स्किप कर देना है, और इस प्रयोग को दोस्तों पूरे विश्वास के साथ में आपको करना है। कंटिन्यू इस प्रयोग को करते रहें, जब घी खत्म हो जाता है तो लौंग को कहीं विसर्जन कर दें और एक नया घी बना सकते हैं। वैसे 6-7 महीने आराम से चल जाएगा, लेकिन शुद्ध घी आपको लेना है, इस चीज का ध्यान देना है।
नहीं तो आप बोलेंगे कि सर ने रेमेडी दी, वर्क नहीं कर रही। कुछ कुछ गलतियां आप लोग अपने से भी कर देते हैं। देखिए, गाय का घी लेते हैं और शुद्ध घी लेते हैं तभी यह वर्क करेगा, और लौंग बाहर से ला करके पहले उनको पवित्र कर लें क्योंकि सात्विक प्रयोग है। पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के जब प्रयोग करेंगे तभी ये रिजल्ट देगी। तो जो विधि बताई जाती है, जो सावधानियां बताई जाती है, उनको फॉलो करके अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं तभी वर्क करती है। ठीक है, वीडियो को एक बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस रेमेडी को करें। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं ताकि आप अपने प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। अब आपके पास में जानकारी पहुंची तो आप आगे शेयर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में घर बैठे किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है ना, तो शेयर जरूर करें। जितने लोगों को आप जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। तो शेयर जरूर करें, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।